गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बोर यूज मोसलेस लॉ टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट इनटू अ टेबल व्हेन दे वेयर प्लेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बोर ने क्या किया, मोसले ने जो लॉ दिया था, एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो उसी एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। तो दिस टेबल वॉज कॉल्ड बोर्स पीरियोडिक टेबल, और फिर उस टेबल का नाम पड़ा बोर्स पीरियोडिक टेबल। उस समय 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट थे, उन्होंने उनको इस पीरियोडिक टेबल में रखा, और उस पीरियोडिक टेबल को कभी कभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। द एलिमेंट डेट कम आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 के बाद आने वाले एलिमेंट को भी इसमें जगह मिली। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप। ये जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, इसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 हॉरिजेंटल रोज, जिनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखोगे आप तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 18 तक के सारे ग्रुप्स हैं। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, और पीरियड काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 5, 6 एंड 7 पीरियड्स आ गए। और ये जो नीचे में लिखे हैं, ये क्या है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ठीक, नाउ ग्रुप इन मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर जो है वो किससे डिसाइड किया जाता है, बाय इट्स वैलेंसी, मेंडेलिफ के पीरियोडिक टेबल में। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हम अब पढ़ रहे हैं, इट इज़ डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट फाउंड इन 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 आर कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे ग्रुप के, ये कैसे हैं मेन एलिमेंट, और ग्रुप 13 to 12 आर ट्रांजिशन एलिमेंट। इन ग्रुप 3 द 14 एलिमेंट दैट कम आफ्टर लैंथेनियम आर प्लेस इन सेपरेट पैनल बिलो द टेबल आर कॉल्ड लैंथेनाइड। आफ्टर लैंथेनम एंड आफ्टर एक्टेनियम कॉल्ड एक्टेनाइड्स, दे आर डिस्प्लेड बिलो द पीरियोडिक टेबल सो दैट इट टेक मोर कन्वीनियंट फॉर्म। ये देखोगे आप तो यहाँ पे थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट है आफ्टर लैंथेनियम, लैंथेनियम के बाद वाले ये सारे यहाँ आए, ये लैंथेनाइड्स है, और एक्टिनियम के बाद वाले ये सारे क्या है, एक्टिनाइड्स। पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ शेल ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड, जितने शेल होंगे उस पीरियड का वो एलिमेंट होगा। नंबर ऑफ शेल्स ऑफ आवर एलिमेंट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड इज इक्वल। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस बाय 1। जब हम आगे आगे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट का एक से बढ़ रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी एक से बढ़ोतरी हो रही है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड देयरफॉर दे आर द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप, बट बिकॉज ऑफ देयर नंबर ऑफ शेल्स ऑक्युपाइड इन द सेम फॉर ऑल दे प्लेस इन द सेम पीरियड। अब यहाँ पे देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लेट अस सी। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1, इसका कितना है 2-2, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है।
उसके बाद बोरॉन में कितने आएंगे, 2, 3 मतलब 3 आएंगे, कार्बन में 2, 4, 4 आएंगे, यहाँ 5 आएंगे, यहाँ 6 आएंगे, यहाँ 7 आएंगे और यहाँ पे 8 आएंगे। इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके कैसे हैं, अलग अलग है। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे हैं इसलिए इसका ग्रुप कितना है, 10+3, 13। यहाँ 4 आ रहे हैं, 10+4, 14। इस तरह से नाइट्रोजन में 5 आ रहे हैं तो 10+5, 15, और ऑक्सीजन में 6 आ रहे हैं तो 10+6, 16, और यहाँ 7 आ रहे हैं, 10+7, 17। तो इनका ग्रुप नंबर जो है यहाँ 10 ऐड करके 13 से आपको लेना है। और यहाँ पे यहाँ कितना है, फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे कितने हैं, 2, इसलिए ये सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। बट ये सारे जो एलिमेंट यदि आप देखोगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे एक ही ग्रुप के हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, सब जगह देखोगे तो 2, 8 आखिरी में आएगा, मतलब नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 2 ही है, इसलिए वो सारे एलिमेंट क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। क्लियर, मतलब नंबर ऑफ शेल आपको बताते हैं कि वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बताते हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। वी कैन टेल द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ईच पीरियड बाय कैलकुलेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्युपाय अ शेल। वी नो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस इन अ शेल कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। कौन से फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2n² वेयर n इज शेल नंबर। तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला दिया गया है, 2n² n आपका शेल नंबर। पहले शेल है k शेल, उसका n की वैल्यू हो गया 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। उसके बाद आप शेल नंबर क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यूजिंग कैलकुलेशन गिवन अबव यू कैन टेल हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड मतलब कितने शेल होंगे, 3, तो n इज इक्वल टू 3, मतलब 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, तो क्या कितने आएंगे, 18। बट वी ऑल्सो नो दैट अकॉर्डिंग टू बोर ब्यूरे रूल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, वहाँ तो 18 आ रहे, बट हमें पता है कि बोर ब्यूरे रूल से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट बी मोर देन 8, वहाँ पे कितने होते हैं, 8। सिंस m इज द आउटर मोस्ट शेल हियर, देयरफॉर इट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज द दिस इज द रीजन व्हाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड इज 8। 18 आ रहा है उसका 18 इलेक्ट्रॉन, बट हमें पता है कि एक शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, के एल एम एम शेल आ रहा है, तो वहाँ पे कितने एलिमेंट्स आएंगे थर्ड पीरियड में, 8। इन द पीरियड आफ्टर दिस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज डिसाइडेड बाय सम अदर रूल विच वी विल स्टडी इन हायर क्लासेज। द फर्स्ट 3 पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर नोन एज शॉर्ट पीरियड। पहले 3 पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं क्योंकि उसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, कम है, 2, 8, पहले पीरियड में 2, सेकेंड पीरियड में 8 और थर्ड पीरियड में भी 8। द 2 पीरियड आफ्टर द फर्स्ट 3 आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं क्योंकि इसमें एक एक में 18 एलिमेंट्स है। सिक्स्थ पीरियड 32 एलिमेंट एंड सेवन्थ पीरियड ऑल्सो 32 एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, द पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। फर्स्ट आपको हमेशा याद रखना है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल या मोस्टिस पीरियडिक टेबल या बोर पीरियडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल, ये सब किसके ऊपर बेस है, एटॉमिक नंबर पे। द पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ बीन डिसाइडेड बेस्ड ऑन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और किसी भी एलिमेंट का पोजीशन जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिसाइड होता है। पीरियडिक चेंजेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर शोन मोर क्लियरली, और उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपको क्लियरली दिख रहे हैं। बिकॉज हाइड्रोजन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग बोथ नेगेटिव, हाइड्रोजन में कैपेसिटी है, वो तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है, देता है तो H प्लस हो जाएगा और लेता है तो H माइनस हो जाएगा, इसलिए वो हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में ऊपर में रखा गया है, उसकी पोजिशन फिक्स नहीं है, जैसे कि मेंडेलीव के पीरियडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजिशन फिक्स नहीं थी।
और फिक्स नहीं है क्योंकि वो कभी कभी 17 ग्रुप एलिमेंट के जैसा बिहेव करता है या फिर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के जैसा भी बिहेव करता है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के जैसा बिहेव करेगा जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और 17 ग्रुप एलिमेंट के जैसा बिहेव करेगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये फर्स्ट का आंसर है। कैन यू फिक्स द पोजिशन ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इसको पोजिशन फिक्स करने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आइसोटोप का मतलब होता है एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर, और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है। हाउ हैव द पोजिशन ऑफ अर्गॉन एंड पोटेशियम बी डिटरमाइन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? अर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18, 288। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? मतलब आप उसके पहले एटॉमिक नंबर देखोगे। चलिए हम चलते हैं इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। अर्गॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो है आपका 18, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288, मतलब कितने शेल आ गए? 3, तो थर्ड पीरियड का है। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, राइट? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2881। तो कितने शेल आ गए? 4, चार शेल मतलब फोर्थ पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। अब इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1, इसलिए हम उसको फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं। और यहाँ अर्गॉन के इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, इसलिए हमने इसको 18 ग्रुप में रखा है। क्लियर? फर्स्ट यू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ द एलिमेंट अर्गॉन एंड पोटेशियम, एंड देन यू एक्सप्लेन इन विच ग्रुप एंड इन विच पीरियड दे आर प्लेस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ थ्री एलिमेंट एक्स वाई जेड आर 6, 10 एंड 18, विच ऑफ द टू एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप? अब देखते हैं 6, 10 और 18 एटॉमिक नंबर कितने हैं। ये देखो 6, 10 और 18 18 तो अर्गॉन है, तो देखो 6, 10 और 18 तो सेम ग्रुप में कौन आए? 10 और 18। सेम पीरियड में कौन आए? 6 और 10। कौन से पीरियड में है? सेकेंड पीरियड में। विच टू एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप? 10 एंड 18। विच टू एलिमेंट बिलोंग टू सेम पीरियड? 6 एंड 10। इन दिस वे यू राइट डाउन आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर केमिस्ट्री कॉपी। थैंक यू।